जिग्ना मैम, हाउ आर यू? कैसे हो आप? काफी टाइम बाद आपसे मिल रही हूँ। पहले इंटरव्यू भी कर चुके हैं यस हमारे चैनल पे, काफी आपके इंटरव्यूज हो चुके हैं। तो सबसे पहले बताइए, बिग बॉस के घर के बाद बाहर आके कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा है, कि हम चाहते थे आपको फिनाले तक देखें, तो क्या कहना चाहेंगे आप मैम? फिनाले तक का सफ़र तो नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जैसे मैं एक टैगलाइन मैंने अपनी बनाई है, इट इज़ बेटर टू बी रियल एंड रिजेक्टेड देन बी फेक एंड एक्सेप्टेड। सो यस, मेरी जर्नी जितनी भी 6 हफ्ते की रही बहुत अच्छी रही। बिग बॉस के घर पे मैं पहले ही बोलती आई हूँ कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया सभी कंटेस्टेंट ने, चाहे वो सबसे छोटी ईशा हो या विक्की भैया हो या अंकिता हो, हर कोई ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया है मुझे। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। एंड बिग बॉस के बाहर आने के बाद उससे भी बहुत बड़ा रिस्पेक्ट जो अंदर मिला, उससे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट आज लोगों ने बोल दिया है मुझे। हाँ, काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं मैंने गेम नहीं खेला। मुझे ऐसा है कि रियलिटी शो है तो अपने को रियल होना ज़रूरी था। एंड मैं जैसी हूँ मैं लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ कि यही रियल जिगना हो रहा है। तो मेरा पर्पस था, वो मैंने अचीव किया है और लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं बाहर। बहुत सब लोग बोल रहे हैं कि मैंने जितना भी रहा मेरी बहुत जर्नी डिग्निफाइड रही है। सो आई एम हैप्पी विद दैट। एब्सोल्युटली मैम, यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर पता जो नहीं नहीं, सही में आप परफेक्ट एग्जाम्पल हो। सबसे ज़्यादा ये है कि आप इतने स्ट्रांग हो, सबसे ज़्यादा जो लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं वो आपके रियल पर्सनालिटी की वजह से। क्योंकि हमने बिग बॉस के अंदर जो देखा है, सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया है, रिंकू मैम के साथ आपका जो बॉन्ड था, ऐसा लग नहीं रहा था कि आप कंटेस्टेंट हैं, बहन लग रहे थे दोनों। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके यस, बारे में? रिंकू जी के साथ बहुत बढ़िया बॉन्ड रहा। चाहे आप वो एक एज ग्रुप देखो या एक मेच्योरिटी देखो, एक लाइफ के, हम दोनों के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। वो उतार चढ़ाव ने शायद हम दोनों को बहुत क्लोज लिया। एक टाइम था जब हम दोनों वॉक कर रहे थे तो रिंकू जी ने बोला था, जिग्ना जी आपसे एक अटैचमेंट हो रही है, क्या करूँ? मैंने हो जाने का अटैच, नहीं, फिर दुख मिला, वो तो पार्ट ऑफ है ना। ऐसा थोड़ी है कि फ्रेंडशिप सिर्फ बिग बॉस तक रहने वाली है, बिग बॉस के बाहर तक ही रहेगी फ्रेंडशिप ऑब्वियसली। लेकिन यस, मुझे ऐसा लगता था कि और 2-3 हफ्ता शायद रहती तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत एक लोगों को शायद बहुत और कुछ हमारी फ्रेंडशिप में दिखने मिलता था। मैम, जैसे आपके जाने के बाद जिस हिसाब से आपका इविक्शन हुआ, लोग इविक्ट करते ये बोल के कि ये स्ट्रांग है, हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं आप। तो आपको क्या लगा कि आप किसके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकते थे? और जिन्होंने आपको जिस तरीके से नॉमिनेट किया है, वो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें काफ़ी इमोशनल चीज़ें काफ़ी दिखी आपके, जो इमोशनल इमोशन सारे बाहर आ गए जब आप निकल रहे थे। सबसे आप ऐसे मिले हो कि जैसे काफ़ी अरसे से हाँ, आप उनके साथ अटैच्ड है, तो क्या कहना चाहेंगे मैम? बेसिकली मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ और लोगों को लगता है स्ट्रांग है स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग होके इमोशनल नहीं होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्ट्रांग बंदा भी रो सकता है। स्ट्रांग बंदा में मुझे ऐसा लगता है जो स्ट्रांग होते हैं उसके इमोशंस बहुत दबे हुए होते, क्योंकि हम दुनिया को वो इमोशंस दिखाना नहीं चाहते हैं। तो शायद मेरे साथ यही हुआ। मैंने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए अंदर और आई एम प्राउड ऑफ इट कि आज जो भी बाहर निकलता है ना, सबसे पहले मुझे फ़ोन भी करता है, चाहे कोई भी हो, तहलका का भाई घर पे आए, मनस्वी घर पे आई थी, और रिंकू जी है, नील, ऐश्वर्या, सबसे बहुत अच्छा बॉन्ड बना मेरा और आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। जहाँ तक नॉमिनेशन की बात है, गेम है, कभी ना कभी किसी ना किसी को बाहर तो जाना ही है और ट्रॉफी एक ही बंदा जीतने वाला है। 17 के 17 जो गए थे सब तो ट्रॉफी नहीं जीतने वाले हैं। बट हाँ, नॉमिनेशन टास्क बहुत एक पेनफुल रहता है और मुझे भी दुख हुआ था जिस तरीके से मेरा नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन वो बिग बॉस ने वो ही हिसाब से प्लान किया था, तो इट्स ओके।
पार्ट ऑफ गेम है, वन हैज टू मूव ऑन इन लाइफ. 2 महीना हो गया वो चीज को, अभी आगे बढ़ गए हम लोग, कल फिनाले है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मैम गेम अगर हम देखें जिस तरीके से अभिषेक हो गया, मुनव्वर हो गया, इतने सारे पर्सनल लाइफ की चीज़ें उनके बिग बॉस में आ गई. अभिषेक की अगर मैं बात करूँ, उनके साथ जो हुआ, जो मेंटल इशू पे जो ईशा ने उनके साथ किया, जबकि कोई अलग कंटेस्टेंट करता तो बात उतनी नहीं बढ़ती आगे, वो गेम में ख़त्म हो जाती बात. बट उनकी जो सबसे क्लोज फ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी रह चुकी है और समर, दोनों ने मिलके अभिषेक पे जो किया था उस पे आपका क्या व्यू है? जो उन्होंने किया वो गलत था, जो मैंने बोला भी था मीडिया में कि किसी की मेंटल हेल्थ पे हमें नहीं उंगलियां उठानी चाहिए, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है वो बंदा लाइफ में क्या क्या पास थ्रू करके वहाँ तक पहुँचा है, वो हमको नहीं पता है वो चीज़ के बारे में. एंड यस, जैसे आपने बोला, ईशा तो रही है वो बंदे के साथ, मुझे 10 दिन में या फर्स्ट 10 डेज में ही अभिषेक के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था, ये भी कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसने मुझे खुद बताया था. तो वो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, बट जैसे आपने भी बोला और जैसे सबको पता है, रियलिटी शो है, गेम है, सो कॉल्ड गेम है. तो गेम के मध्य देखे तो किसी की वीकनेस का किसी और ने फायदा उठाया, जो गलत था, बहुत गलत था. शायद अभी छोटे हैं वो लोग, तो किसी को इसका इतना सीरियसनेस नहीं पता है. आज से 5 साल के बाद वो बैठ के सोचेंगे तब रियलाइज होगा कि हमने गलत किया. यस मैम, बात करूँ विक्की अंकिता की, तो उनके साथ आप रह के आए, उनके सारी चीज़ें आपने बहुत करीब से जाना है. हम तो टीवी पे देखते हैं कुछ चीज़, हमें दिखाते नहीं दिखाते, उस तरीके से हमने उनको देखा. तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब फैमिली वीक हुआ था, अंकिता भी इमोशनली ड्रेन हो गई थी, जब उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि आप विक्की को नहीं संभालते हो, फिर उनकी जो मदर इन लॉ है वो कह रही थी कि आपको छूट दिया है. तो ये सब जो स्टेटमेंट नेशनल टेलीविजन पे अपने ही रिश्तों को नीचा दिखाना काफ़ी गलत हो जाता है मैम, तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेके, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया इस चीज़ को लेके कि ऐसा नहीं होना चाहिए था अंकिता के साथ, तो आपको क्या लगता है मैम? जब आप ऐसे बड़े लेवल के रियलिटी शो में जाते हो तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर होते हो, और हो जाना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है. अगर आप किसी और के बारे में कुछ बात कर रहे हो तो आपके बारे में भी बात होगी, तो वो आपस का फैमिली, तब आप नहीं, कोई सोचता है कि ये नेशनल टेलीविजन है या फिर सोच के करता है, दोनों चीज़ हो सकती है. जहाँ तक अंकिता और विक्की का सवाल है, दोनों बहुत ही मैच्योर्ड लोग हैं, और मुझे तो यही लगता है कि उन लोग की फाइट हुई, जो भी हुआ वो एक कंटेंट परस्पेक्टिव ही था, क्योंकि उन दोनों में प्यार भी उतना ही है. दोनों ने बहुत लाइफ के अप्स एंड डाउन साथ में गुजारे हैं. वो अंकिता भी एक्सेप्ट करती है कि विक्की बहुत उसके टाइम पे साथ में खड़ा था. तो मुझे तो सच में यही लगता है कि जो भी उनकी फाइट थी वो कंटेंट को लेके ही थी. कपल है, और तुम कपल एज ए कपल और क्या कंटेंट दोगे? तो मुझे नहीं लगता कि वो सब रियल था. मैम अभी रिसेंटली रोहित शेट्टी सर आए थे, उन्होंने सब कंटेस्टेंट के बारे में हर एक चीज़ें कही है और उनको सुधारा है, हर एक चीज़ हर तरीके से. मुनव्वर को भी काफ़ी चीज़ें कही है कि अगर आप कुछ चीज़ बोलते हो तो उस चीज़ पे खड़े उतरो, और आपने जो मिस्टेक्स की है लाइफ में उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो. तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके बाहर अंदर तक ठीक है लेकिन बाहर आने के बाद असली जिंदगी चालू होती है. सही बात है. तो क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत बड़ी और फैक्ट बोला है, जो मैं सबको बोलती हूँ कि बिग बॉस जो कंटेस्टेंट अभी हम लोग बाहर निकले हैं, सब लोग वही बातें कर रहे हैं, कंटेस्टेंट आपस में भी, बिग बॉस अरे हम लोग बाहर निकल गए, बात ख़त्म है, कल बिग बॉस का फिनाले हो जाएगा, ख़त्म है वो चैप्टर, अब आगे क्या. हमको हर सबको आगे का देखना है कि बाहर की लाइफ ट्रॉफी कोई भी जीतेगा, मुन्ना जीते, कोई भी जीते, या जो नहीं भी जीतेगा, अगर ट्रॉफी नहीं जीतोगे तो लाइफ एंड नहीं है. ऐसा भी बहुत पास्ट में हुआ है कि ट्रॉफी जीतने वाले क्या कर रहे हैं अभी, लेकिन जो ट्रॉफी नहीं जीते वो बहुत कुछ कर रहे हैं. सो एक ट्रॉफी ही सब कुछ नहीं है,
है इम्पोर्टेंट, गेम के हिसाब से यस आई अग्री इम्पोर्टेंट है, बट अगर नहीं जीते तो क्या? जैसे आपने बोला कि बाहर आके यस, चाहे वो मुन्ना हो, अभिषेक हो, मैं हूँ, कोई भी हो, मैं तो अपना भी बोलती हूँ, विक्की हो, अंकिता हो, कोई भी हो, अब आगे क्या? जो वहाँ पे मिस्टेक्स हुई है उसका हमें ओनरशिप लेना है कि हाँ यार मेरे से लाइफ में, और ह्यूमंस है, इंसान से गलती होगी, हमसे नहीं होगी तो कौन होगा? हम भगवान थोड़ी है कि गलती नहीं कर सकते हैं, बट वो गलती को अपने को आगे रिपीट नहीं करनी है, यही अपना लाइफ की जर्नी ये होनी चाहिए। बिग बॉस की जर्नी कल ख़त्म हो जाएगी, 28 जनवरी कल ख़त्म हो जाएगी, आगे क्या, ये इम्पोर्टेंट है। मैम मनारा की बात करूँ तो उनके साथ काफ़ी ऐसे खटपट या बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो अभी वो फिनाले में है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि उन पे ऐसा एक एलिगेशन अंकिता जी ने लगाया है रिसेंटली, जब मीडिया अंदर गई थी Q&A करने, तो उन्होंने ये कहा है कि जब मेरा मनारा से या विक्की से कुछ भी जो भी झगड़ा होता है, तो उन्होंने ये कहा है कि मनारा चिढ़ा के विक्की से बात करती है मुझे चिढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ को रोहित सर ने एड्रेस भी किया है कि आप मनारा को बोल रहे हो, आप ये भी तो सोचो विक्की भी तो कर रहा है। सही तो बात, इस पर आपका क्या व्यू है? सही बात है, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन हाँ गेम यार, मैं अब भी सोचती हूँ ना, हर एक को टिकना है ना गेम में, कंटेंट देना है, कुछ ना कुछ करना है ना, कंटेंट देना है। शायद मैं नहीं दे पाई, दैट डजंट मीन के सामने वाला गलत कर रहा है, सबके अलग अलग प्रायोरिटीज है, मनारा को यस ट्रॉफी तक प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, तो उसने वो हिसाब से कंटेंट दिया, तो अंकिता को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अंकिता खुद भी तो गेम ही खेल रही है ना, बोलते हैं दिल से खेल रहे या दिल से किसी के खेल रहे हो, इम्पोर्टेंट है ना। मैम अभी कल बिग बॉस मतलब परफॉर्मेंस होगा आपका, कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि सब एक साथ हर एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, तो हाँ बहुत, परफॉर्मेंस तो मेरा नहीं है कोई एक्ट, बट यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबको मिलने के लिए, जो अंदर फिलहाल अभी भी टॉप 5 को, तो बाहर जो निकले उनको तो मिलते रहते हैं हम लोग, बट यस आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट मुनव्वर, अभिषेक, ये दोनों बहुत क्लोज है, मुनव्वर तो सबसे ज़्यादा क्लोज है, नो डाउट अबाउट इट, मुनव्वर, अभिषेक और नील बहुत क्लोज थे मेरे, और उन तीनों में से भी यस मुनव्वर से एक अलग बॉन्डिंग थी, नील से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम लोग मिले भी बाहर, लेकिन कल सब साथ में मिलेंगे तो यस बहुत पार्टी है 6 से 12। मैम टॉप 2 में अगर आप देखना चाहेंगे, ऑब्वियसली मुनव्वर तो फेवरेट है, आप कह रही है बार बार दिख रहा है, सेकंड इंसान कौन होगा जिन्हें आप टॉप 2 में देखना चाहेंगे, और आपके हिसाब से होता है सब में, जैसे बिग बॉस ने भी इस बार कहा है कि मैं फेवरेटिज्म करूंगा डंके के चोट पे, तो कंटेस्टेंट भी अपना एक एक फेवरेट बताते सही बात है, सही बात, तो आप किसे देखती है? मुनव्वर को ही देखती हूँ, विनर, एज अ विनर, ऑब्वियसली विनर से ही देखना है, मैं उसको बोल के आई हूँ कि ट्रॉफी तो लेके आना, गुजराती हूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे गुज्जू कनेक्शन लगाना पड़ेगा, बायस होना पड़ेगा मुझे, और अब तक सभी इंटरव्यू में मैं बोलती आई हूँ कि मुनव्वर से कुछ अलग बॉन्ड है, क्या है मुझे नहीं मालूम, लोग बोलते हैं मुनव्वर की जनता बोलती है माँ जैसा बॉन्ड है, कोई बोलता है बहन जैसा बॉन्ड है, क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट and I would really like him to win, that's it, top 2 में अभिषेक और मुनव्वर, but अभी देखते हैं बिग बॉस ने क्या प्लान किया है। मैम थैंक यू फॉर टॉकिंग, एक चीज, एक लास्ट मैसेज आपसे मतलब बुलवाना चाहूँगी, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, चाहे वो रियल लाइफ हो बिग बॉस हो, आपने भले ही कम टाइम के अंदर लाइफ को जिया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपने पूरे एक्सप्रेस कर दिया लोगों के सामने, और काफी लोगों ने कनेक्ट किया है, इतना आई होप सो, यस नो मैम इट्स अ फैक्ट, और इतनी सारी चीजें हैं जो यू आर सो स्ट्रांग, यू आर सो इंस्पिरेशन टू ऑल, कि ऐसा लगता है कि हाँ जब आप इतना स्ट्रांग हो सकती है तो बाकी कोई क्यों नहीं हो सकता है, तो एक होता है मेंटली वीक हो जाना लाइफ में, अप्स एंड डाउन, उस चीज को आपने अच्छी तरीके से निभाया है और मैनेज किया है, क्योंकि आजू बाजू इतने गंदे मतलब कुछ भी रहते हैं हमारे, तो उस चीज को हटा के आगे जाना,
तो सबके लिए आप इन जनरल क्या मैसेज देना चाहेंगे, और नए ऑडियंस जो आपके साथ अभी जो आपको पसंद करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो पहले आप थे और अभी जो आप नए निखर के आए हो, क्या कहना चाहोगे टू ऑल द ऑडियंस? यस, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, नो डाउट। लाइफ की जर्नी अप्स एंड डाउन्स वाली ही रहेगी। जब हमारा कार्डियोग्राम निकालते हो हार्ट का, तो वो भी सीधी लाइन मतलब पैकअप हो जाती है। तो यही लाइफ की जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स वाली। आज ऊपर है तो नीचे भी गिरने ही वाले, लॉ है ना, साइंस है, न्यूटन्स लॉ है। बट जब नीचे हो तभी एक्सेप्ट करो कि मैं नीचे हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जेल गई हूँ, मैं वहाँ पे हूँ। मैंने तो नीचे नहीं, मैंने तो यही एक्सेप्ट कर लिया था, नीचे से भी नीचे हूँ मैं। जैसे ऊपर से ऊपर, सुपर, ऐसा नहीं है, नीचे अंडरग्राउंड चले गए हम, उसमें से धीरे धीरे वो बीज बाहर आया। सो बहुत 12 साल का लंबा प्रोसेस है, नो डाउट अबाउट इट। आज सबको मैं अपना, तो मुझे पता है सबने देखी है मेरी जर्नी, तो इट्स, ये जर्नी सिर्फ टॉप तक ले जाने की नहीं है, बट वो टॉप के रास्ते से निकलने, मतलब वो रास्ता निकलते निकलते वहाँ तक क्या क्या हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मैं बहुत सारे लेसन सीखी हूँ, ट्रस्ट। आज भी मीडिया से मुझे डर लगता है, अभी भी फोन पे मैं किसी से वही बात कर रही थी, बट फिर ये भी सोचती हूँ यार, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगी तो कोई मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम हैं हम दुनिया को वही दिखाएंगे। सो यस, बी योरसेल्फ, बी रियल। रील और रियल, रील का जो किरदार काफ़ी सालों तक लोग भूल जाएंगे काफ़ी साल के बाद, बट जो आप रियल हो ना वही लोग याद रखेंगे। सो आई थिंक वन शुड फोकस ऑन बीइंग रियल, बी यू। और बहुत सुंदर जर्नी है, जस्ट एन्जॉय योर पार्ट, बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आप सच्चे रहोगे ना तो आपको सच्चे लोग मिलेंगे, सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। कुछ आलतू फालतू एडिट